मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑसम वर्चुअल क्लासेस। नाउ तो बेटा हम क्लास 6 में चैप्टर नंबर 1 प्रेजेंटेशन में थे और हमने एक्सरसाइज 1.1 का 6 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था। इनमें भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे ग्रुप में शेयर करें, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाकर आपको शेयर करूंगा। ओके, नाउ आज हम सॉल्व करने वाले हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.1 का। आपका क्वेश्चन है Change the following into international number system। क्या क्वेश्चन है बेटा? आपको चेंज करना है, चेंज इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, यानी आपको चेंज करना है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। देखो बेटा हम कैसे चेंज करेंगे। आपका क्वेश्चन है, मैं फोर्थ वाला क्वेश्चन लेता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है? फिर अगर नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है? देखो क्वेश्चन है आपका 70,000 and 000, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, इसमें 70 लाख क्या ही है आपको गिवन है। ओके, इंडियन फॉर्म में आपको चेंज करना है इसे बेटा इंटरनेशनल फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रूल कहता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें क्या करना है बेटा, कोमास का यूज करना है इन द इंटरनेशनल फॉर्म। हमें इंटरनेशनल फॉर्म में कोमास का यूज करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट कोमा इसको नोट कर लेंगे। ओके, हमने क्या कर लिया, विदाउट कोमा इसको नोट कर लिया है 6। ओके, अब इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जब हम इंटरनेशनल फॉर्म में कोमा का यूज करते हैं तो आप क्या करते हैं, राइट साइड से डिजिट काउंट करते जाते हैं और 333 के स्पेस पे आप कोमा का यूज करते जाते हैं। ओके, तो आपने राइट साइड से स्टार्ट कर दिया, देखो 1 2 3 कोमा, देन आपका अगेन 1 2 3। ओके, अब देखो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1s and 100। ओके, अब हम इंटरनेशनल फॉर्म में कर रहे हैं तो 1,000, 10,000, 100,000, उसके बाद 1,000,000। अब देखो यहाँ पर क्या आया, 1,000,000 बिलियन आ गया। और देखो डिजिट क्या है आपकी, प्लेस पेज वैल्यू क्या है, 7। पेज वैल्यू क्या है बेटा, 7। आपको करना पड़ेगा जब आप इसको वर्ड में नोट करोगे तो इसकी पेज वैल्यू नोट करोगे तो क्या है, 7। क्या है बेटा, 7 है। आपने 7 नोट कर दिया, अब इसके बाद सफिक्स नोट करेंगे। वो क्या है, इसका सफिक्स हमारे पास क्या था, मिलियन। हम मिलियन पे आते हैं, फर्स्ट आंसर क्या है बेटा, 7,000,000। दिस इज योर आंसर। ओके क्लियर स्टूडेंट। इसके बाद बेटा हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फिर भी अगर ये आपको नहीं आया समझ में तो आप मुझे ग्रुप पे शेयर करना, मैं आपको दोबारा इसकी वीडियो बना के सेंड करूंगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर पुट किया। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द सॉरी मैं आपको ये सेकंड वाला बोलूंगा, फर्स्ट वाला आप लोग ट्राई करिए, नहीं आता है तो मैं आपको इसकी आपको मैं वीडियो में आपको शेयर करूंगा। ओके, नेक्स्ट आपका है राइट द लार्जेस्ट, राइट द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 9 digits इन न्यूमेरल एंड वर्ड। यानी आपको 9 digit का आपको लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर नोट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरल में और उसके बाद आपको वर्ड में नोट डाउन करना है। ओके, अब इसको करने के लिए देखो सिंपल सी बात बता दो बेटा, क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर को नोट करेंगे। कैसे हम करेंगे, पहले स्मॉलेस्ट 9 digit, स्मॉलेस्ट 9 digit नंबर। अब आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, जब भी हम स्मॉलेस्ट नंबर नोट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर डिजिट का, तो आप क्या करें, सबसे पहले 1 नोट कर लेते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट तो 1 होता है,
उसके बाद आप जीरो जीरो अप्लाई कर जाते हैं, जीरो 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 जीरो, ओके काउंट करो नाइन होने के लिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है बन गया बेटा आपके नाइन डिजिट का, नाइन डिजिट का क्या बन गया बेटा स्मॉलेस्ट नंबर, ओके इसके बाद हम बात करते हैं लार्जेस्ट नाइन डिजिट नंबर, ओके लार्जेस्ट नाइन डिजिट नंबर की बात करें तो क्या होगा बेटा नाइन लार्जेस्ट डिजिट आपके नाइन होता है, ओके तो हम क्या करेंगे नाइन को नाइन लाइन काउंट कर देंगे, काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये तो हमने क्या कर दिया बेटा सबसे पहले नंबर को नोट डाउन कर लिया है, अभी हमने न्यूमेरल में नहीं किया था, हम क्या करेंगे बेटा पहले कॉमास का यूज करेंगे, अब जिस सिस्टम में आपको कंफर्टेबल हो चाहे इंडियन में हो चाहे इंटरनेशनल में हो उस सिस्टम में आप क्या करेंगे कॉमास का यूज कर दीजिए, देखो कैसे करते हैं वन टू थ्री कॉमा, वही हमारा राइट साइड में सेम मेथड है, देन आफ्टर वन टू कॉमा, देन आफ्टर वन टू कॉमा, ओके अब देखो उसके बाद नेक्स्ट वाली डिजिट है अभी हम कर देंगे वन टू थ्री कॉमा वन टू कॉमा वन टू, ठीक है अब हम क्या करेंगे बेटा इसको हम वर्ड्स की फॉर्म में नोट डाउन करते हैं, यहां वर्ड्स में नोट डाउन कर रहा हूं, देखो काउंट करो वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक टेन लैक करोड़ एंड टेन करोड़, आपका आंसर क्या बन गया इसका स्मॉलेस्ट का तो टेन करोड़, क्या बनेगा बेटा टेन करोड़, अब हम बात करते हैं लार्जेस्ट नंबर, ठीक है लार्जेस्ट नंबर जो कोई वन टेन हंड्रेड थाउजेंड सॉरी थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक टेन लैक करोड़ एंड टेन करोड़, आपको क्या आंसर बनेगा 99 करोड़ 99,000 Then after 999 आपको बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में कोई स्पेशल काम नहीं है, ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 में कोई स्पेशल नहीं है, हम क्या करेंगे सिर्फ इसमें हमें कंपेयर करना है, हमें ये बताना है कि कौन सी वाली डिजिट बड़ी है और कौन सी वाली डिजिट छोटी है, आप क्या करना है ये वाले साइन का चेंज यूज करना है इस वाले साइन या फिर आप इस साइन का यूज कर सकते हो, एक ही बात, ये तो है आपका ग्रेटर देन और ये है आपका लेस देन, एक ही बात, इस साइन में जो हमने बेटा इसका डबल माउथ है इसका माउथ जिस तरफ ओपन रहता है उस टाइम पे आती बिगड़ गई है, इधर क्या आती बेटा बिगड़ गई और इधर क्या आती बेटा आपके स्मॉलर की, इधर बिगड़ आएगी इधर स्मॉलर आएगी, अगर आप इस साइन को लूप बना दोगे तो आपकी बिगड़ इधर आ जाएगी स्मॉलर इधर आ जाएगी, ओके अब आपको तो पता है कि कौन सी डिजिट बड़ी होती है कौन सी डिजिट छोटी होती है, तो आप क्या करेंगे उसी हिसाब से ये साइन को अप्लाई करते जाएंगे, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं इसका क्वेश्चन बेटा, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन है 6 8 5 8 7 एंड 1 ये आपका क्वेश्चन है, इसमें ये तो वन लेफ्ट है और ये आपका 68,587, अब इसमें ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है नॉर्मली कि ये वन बिगर है ये वाली डिजिट आपकी क्या है बिगर है, तो आप आंसर में क्या करेंगे 6 8 5 8 7 इज लेस देन 1 लाख, इस टाइप से हमारा आंसर फिनिश आंसर मिल जाएगा और हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, इसके बाद जो बेटा जो आपका 10th वाला क्वेश्चन है इसमें भी आपको क्या करना है जितनी भी सारी डिजिट्स हैं उन सब में आपको बताना है कि कौन सी वाली छोटी है कौन सी वाली बड़ी है, ओके यानी मार्क्स द स्मॉलेस्ट एंड द लार्ज
लार्जेस्ट नंबर इन द फॉलोइंग ग्रुप, यानी पूरे ग्रुप में आपको ये इस टाइप से शो करना पड़ेगा। मैं आपके इधर कर देता हूँ क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 इसका मैं बात करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में 2, 3, 4, 6, 5, 3 एक डिजिट तो ये हो जाता है ना, एक डिजिट होगा 2, 5, 3, 4, 7, 8 एक डिजिट भी होगी। ये होगी आपके 2, 4, 3, 8, 6, 4 एक डिजिट भी हो गई है ना, और हम बात करते हैं एक डिजिट होगी 2, 9, 6, 4, 9 ओके। अब इसमें आपको बेटा या तो आप असेंडिंग फॉर्म में लिखो या आप डिसेंडिंग फॉर्म में लिखो, आपकी इच्छा है ठीक है। मार्क द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर इन द, इट मींस इसमें आपने आपने पूछा है कि एक को सबसे बड़ा नंबर बता दो एक को छोटा नंबर बता दो, आप तो उसे असेंडिंग डिसेंडिंग में दो, अब एक ही बात होगी। असेंडिंग में क्या होगा बेटा, सबसे छोटा और बड़ा एक साइड आ जाएगा। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, देखो ये तो है आपके 29,000 है ना, और ये आपके टूल है 53,000 के ऊपर की डिग्री है, ये आपके टूल है 34,000 और ये है आपके टूल है 43,000। तो आप देख सकते हैं कि बेटा ये तो आपके क्या है स्मॉलर, लेकिन इसे लिख दो स्मॉलर, स्मॉलर क्या है 29,649 ये टर्म क्या हो गया आपके स्मॉलर डिजिट हो गए, स्मॉलर नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं बिगर या लार्जेस्ट, लार्जेस्ट लार्जेस्ट कौन सी होगी, स्मॉलेस्ट कर दो बेटा यहाँ पे स्मॉलेस्ट है ना, स्मॉलेस्ट कर दिया। लार्जेस्ट क्या होगी बेटा, ये आपकी लार्जेस्ट होगी टूल है 53,478 ये आपके लार्जेस्ट हो जाएगी। इस टाइप से बेटा ये आपके फोर क्वेश्चन हमने फिनिश कर दिए हैं ओवरऑल। तो इसके अलावा बेटा कोई भी क्वेश्चन नहीं आते हैं कि सर चारों क्वेश्चन है और जो मैंने पहले करवा दिए हैं उनमें से, तो आप मुझे शेयर कीजिए बेटा, मुझसे कहिए मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, जैसे मैंने इंटरनेशनल के लिए टॉप क्लास ली थी वैसे ही हम अलग से दोबारा आपके लिए वीडियो प्रिपेयर करेंगे ओके।